अच्छा नाजरीन, हुण मैं अपनी वीडियो दे असल मकसद वल आउणा। मेरी अज दी वीडियो दा बनाउण दा असल मकसद यह बंदा है, तो ये है कर फतेह शाह। आपस दे विच मुहब्बत रखण वाले लोगों दा शहर, भाईचारा रखण वाले लोगों दा शहर है, ते ऐसा शहर है जिस दे विच जिंदा दिल लोग रहिंदे ने। जिहड़ा मेन गढ़ है ना, गढ़ फतेह शाह है, इहदे साइडां ते तो चलो पिंड ने ना, लेकिन गढ़ फतेह शाह जिहदी आबादी तकरीबन 12 to 15 हज़ार है। मैं तुहानूं हैरानपुन गल दसां कि इतनी बड़ी आबादी दे विच ऐसा कोई बंदा नहीं है जिहड़ा चोरी दे जुर्म दे विच, डकैती दे जुर्म दे विच, लड़ाई दे जुर्म दे विच, कतलो गारत विच कोई एक बंदा भी इस टाइम जेल दे विच पिया होवे, सज़ा कट रहा होवे। ऐदा नहीं है कि इत्थों दे लोग जुर्म नहीं करते, छोटे मोटे जुर्म दे हर जगह ते चोरी चुकारी इस तरह के जुर्म हो गए, कोई लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला दा शुक्र है कि साढ़े इस पिंड दे विच किसे दी किसे नाल कोई दुश्मनी नहीं, किसी ने किसी का कोई कतल नहीं किया होया, कोई लड़ाई झगड़ा ये वो होंगे। पहली गल ये कि शहर के आपस लोग मिल बैठ के उसको खत्म कर लेंगे, सुलह हो जाती है। अगर इत्थे ना निपटे तो थाने तक गल जाती है, तो थाने तो हो सकता है कि अदालत चली जाए, लेकिन ये नहीं कि अदालत में जाके केस चलता रहे तो उस तो बाद सजा हो जाए। अल्लाह ताला का शुक्र है इतने कोई सिलसिला ही नहीं इस किस्म का। अच्छा नाजरीन, हुण मैं अपनी वीडियो दे असल मकसद वल आउणा। मेरी अज दी वीडियो दा बनाउण दा असल मकसद यह बंदा है, इहनूं गौर नाल देखो। इहदा नाम जाफर हुसैन, गढ़ फतेह शाह दा ही रहिशी, लेकिन इस दे नाल नाल गुरबत भी है। ते उस तों वड्डी गल इह वे कि इस बंदे दा कुछ थोड़ा जिहा दिमागी मसला भी है, थोड़ा जिहा दिमागी मसला। मैं इस वास्ते कह रहा हाँ कि यह नहीं कि इस बंदे नूं समझ नहीं, समझ सारी है, हर बंदे नूं पहचानदा है, अपने पिंड दे अपने पिंड दे नाल वाले लोगों नूं सारिआं नूं जानदा है, बाई नेम जानदा है, बड़ियां सुलझियां हुईआं गल्लां करदा है, लेकिन दिमाग दी एक सूई जिहड़ी है ना वह इहदी इस गल ते अड़ी हुई है कि इहदे विच तीन चुड़ेलां ने, कोई दो जिन ने, जिहड़ा साढ़े इस गढ़ फतेह शाह दा ना दफ्तर मोड़ है, एक उत्थे कोई पीर रहिंदे ने, इहदे मुताबिक उह पीर जी कादियानी ने, ते उन्होंने इहदे विच उह जिन पए ने, ते जदों इहदे नाल गल करो सारी ते उह बस उह 173 दा आइन है जी, ते पुट्टो ने बनाया सी ते उहदे विच इहनां नूं काफिर किया सी, कोई इस तरह दीआं गल्लां बस करदा रहिंदा। मैं इस बंदे नूं जदों वी वेख्या ना, इह कोई 3-4-5 जुत्तियां दे जोड़े पता नहीं रूड़ियां तो चुक के लैके आउंदा सी, उन्होंने लिया के अड्डे से रख लेंदा सी, सेल तो आउंदियां कोई नहीं, सानूं पता नहीं करदा उन्होंने की सी, सुट देंदा सी जां किधर जांदियां सी, कोई बच्चा चुक के लै जांदा सी। नज़र कुछ उस टाइम दी कमज़ोर है सी, लेकिन हुण इस दी नज़र बिल्कुल खत्म हो गई। गर्मी दे विच अपनी रात जिहड़ी है वह किसी दुकान दे अगे थड़े उत्ते सौं के गुजारदा है, ते सर्दी विच किसी होटल जिहड़ा बंद हो जांदा जदों रात नूं, उहदे तंदूर उत्ते जाके लेट जांदा है, ते इस तरह रात बसर करदा है। अज जुम्मे दा दिन है ते मैं जुम्मा पढ़ के निकलिया, ते एक समोसे वालियां दा इत्थे आवास है, उहदा फट्टा पिया, उस फट्टे दे नीचे बैठा रो रहा सी। शदीद तरीन गर्मी, पानी वास्ते आवाज़ां मारदा लिया लोगों नूं, लेकिन मसरूफ आबादी है, किसने इनकी गल ना सुनी, ते कल्ला बैठ कर रोन लग गया, क्योंकि समझदार है ये नहीं कि समझ नहीं है, सारी समझ है इसनों। फिर एक बच्चा कोलों गुजरिया, उसने इसनों पानी लिया के दिता, मैं बैठ के इस नाल कोई 2-4 गल्लां कीतियां, ते रोन लग गया, कहिंदा बस यार फियाज कहानी खत्म हो गई यार, मेरी कोई गल नहीं सुनता, सारे कोलों निकल जाते हैं। अगर इहनूं कहा जावे कि यार असीं तेरा इलाज करवा लैंदे आ, चल साडे नाल हॉस्पिटल चल, तेरियां अखां ठीक हो जाणगियां, ते कहिंदा मेरा इह मसला ही नहीं है, मैनूं तां जिन्हां दा मसला अखां ठीक ने,
ਨਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਓ ਦੋਸਤੋ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।